वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर्स। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कैसे आप एक न्यूज के लिए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, सेम ऐसी जैसी आज तक लाइव वेबसाइट है, सेम ऐसी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं खुद की न्यूज चैनल के लिए या खुद की न्यूज ब्लॉग के लिए, या आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कम्प्लीटली बताता चले जाऊंगा कैसे कैसे आप वर्डप्रेस पर न्यूज के लिए ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं जो कि सेम टू सेम आज तक लाइव वेबसाइट की तरह ही होगी, उसका डिजाइन भी ऐसा ही होगा, उसमें आपको फीचर्स भी सभी सेम मिल जाएंगे। तो ये एक आज तक की वेबसाइट है, इसमें सभी पोस्ट अवेलेबल है। तो मैं एक पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पोस्ट को ओपन कर लिया है, ठीक है। एक पोस्ट में यहाँ पे आपके फीचर्स इमेज आ जाता है, साइड बार आते हैं, साइड बार में इमेजेज आ जाते हैं, यहाँ पे बैनर एड आ जाता है। ओके, तो सेम फर्स्ट यहीं से लेके चलते हैं पोस्ट को, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक वर्डप्रेस की थीम है जो कि एक न्यूज थीम या ब्लॉग थीम आप कह सकते हैं, ब्लॉग थीम है जो कि आज तक वेबसाइट जैसी ही है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सभी फीचर्स दिखाता चला जाऊंगा वन बाय वन, तो आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं इसका होम पेज। तो यहाँ पे एक कंप्लीट न्यूज पोर्टल क्रिएट हो जाता है, तो इसके साथ फुटर भी मिल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्ट भी ऐड की हुई है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर है यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यूज है। तो मेन्यूज में क्या है, मेन्यूज में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेन्यूज ऐड किया है, यहाँ पे आप कितने भी मेन्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो हिंदी में है, आप इसको भी हिंदी में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में क्रिएट किया, जैसे ही मैं न्यूज पे क्लिक करता हूँ तो न्यूज की सभी जो पोस्ट है वो आ जाएगी। यहाँ पेजेस क्रिएट करके न्यूज के सभी पोस्ट को उस पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको ही कोई ओपन कर लूंगा, तो ओके ओपन कर लेते हैं। तो अभी अब मैं यहाँ पे आपको मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लोगो लगाया है तो यहाँ पे भी लोगो लगा सकते हैं आप, यहाँ पे ले सकते हैं इस लोगो को, ठीक है। एंड यहाँ पे मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट किया है हिंदी में, तो आप हिंदी में क्रिएट कर सकते हैं या इंग्लिश में भी क्रिएट कर सकते हैं, या कोई ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मली। ओके, तो ये न्यूज वेबसाइट है, तो न्यूज वेबसाइट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाता है जो सेम है, और तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइटल आ जाता है। ओके, प्रॉपर एक टाइटल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इमेज आ जाती है, जो कि एक फीचर इमेज हो जाती है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ये फीचर्स इमेज आ चुकी है, ठीक है, ये फीचर इमेज आ चुकी है। तो मैं आपको सेम यही पोस्ट मैं दिखा देता हूँ जो कि मैंने पोस्ट क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, वो मैं पोस्ट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें फीचर्स होते हैं, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे टाइटल आ जाता है, तो ये एक टाइटल हो गया। ओके, होम ऑल पोस्ट न्यूज, न्यूज में आ गया। ओके, देन उसके बाद ये फीचर इमेज आ जाती है इसमें भी, तो ये इमेज फीचर्स है। यहाँ पे साइड बार में एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप साइड बार में एडवर्टाइजमेंट के लिए है, तो यहाँ पे भी साइड बार में एडवर्टाइजमेंट के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे भी ये सेम है, फीचर इमेज सेम है, टाइटल भी सेम हो गया आपका। कंटेंट, आप कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है, यहाँ पे आपका टाइम आ जाता है, कमेंट एंड लाइक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग पोस्ट आ जाती है, ट्रेंडिंग न्यूज पोस्ट, उसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, न्यूज कमेंटेड। तो ये तो आपके डेमो पोस्ट है जो मैंने क्रिएट किए, ये है, ठीक है। तो ये आपकी कंटेंट हो गया कंप्लीट, इसमें किसी भी तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ नीचे, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ओके, यहाँ पे बीच में भी आप बैनर ले सकते हो, साइड बार में आप साइड बार की पोस्ट लगा सकते हो, यहाँ पे इमेज है, तो ये वीडियो है, तो ये वीडियो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो इसमें भी आप वीडियो अगर प्ले करते हो तो ये वीडियो आपके लिए वर्क करती है। ओके, तो ये वीडियो हो गया। उसके बाद शेयर बटन है, तो शेयर बटन के शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है हमें, यू में लाइक पोस्ट, तो यहाँ पे भी रिलेटेड पोस्ट आ जाती है, जैसे कि आप आज तक में देख सकते हैं, आज तक लाइव में, तो ये यू में लाइक, तो यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट है, या अदर पोस्ट आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाई हुई है तो अदर पोस्ट भी यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से ये पोस्ट आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कमेंट ऑप्शन, तो इसमें भी हमारा कमेंट ऑप्शन हमें, तो देखते हैं, ओके, इसमें भी कमेंट ऑप्शन है। ओके, तो इसमें भी कमेंट ऑप्शन हमें मिल जाता है सेम प्रोसेस के लिए। एंड नेक्स्ट मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ओके, उसके बाद
नेक्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे भी ऐड आ ही जाता है, और उसके बाद नीचे फुटर आ जाता है, तो फुटर भी आपको मिल जाता है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स है। इसमें भी बहुत सारे लिंक्स आप ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, तो बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स है एक नॉर्मल वेबसाइट। तो सब्सक्रिप्शन के लिए है, साइड बार में आप पोस्ट ले सकते हो और साइड बार में आप एड्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक सेम प्रोसेस हो जाता है जैसे उसका है, ठीक है। तो ये तो आपका सेम ही हो गया, और ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद यू मे ऑल्सो लाइक के इसमें आप यूआरएल देख सकते हैं, इसमें यूआरएल हिंदी में भी आ सकता है यदि आपको चेंज करना है, वो भी मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँ कैसे चेंज करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक इमेज होगी, फीचर इमेज जो है, और इसमें इमेज को डिजाइन भी कर सकते हैं हम सर्कल में उसको डिजाइन भी कर सकते हैं, सर्कल में इमेज को ले सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, तो ये भी आपको फीचर्स मिल जाता है इमेज ऐड करने का। तो चलिए बैकएंड में चलते हैं इसके, तो पोस्ट ऑल पोस्ट, इसमें भी आप आसानी से कोई भी कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज क्रिएट की हुई है, गैजेट गैजेट है, मोबाइल है, ऑटोमोबाइल, तो सभी कैटेगरी और सब कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हो नॉर्मली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, देखिए यहाँ पे ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही हो जाता है प्रोसेस। तो मैं कुछ एडिट करना चाहूँगा, तो चलिए मैं कुछ एडिट कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट से। तो ये एक बैकएंड हो जाता है जिससे कि आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइटल देना है, जैसे कि नॉर्मल आप टाइटल दे सकते हो हिंदी में, तो यहाँ से इसका सलग भी एडिट कर सकते हो, जो सलग आपको एडिट करना है, सलग भी आप इसका सलग होता है ना, ये सलग होता है, ओके ये सलग होता है, इसको आप एडिट कर सकते हो, तो ये सिंपल हो जाता है। उसमें आपके ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में आपको मोर ऑप्शन मिल जाते हैं, हेडिंग लेनी है आपको, लिस्ट लेनी है आपको, ग्रुप्स लेनी है, कोटेशन मार्क लेने हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एडिट HTML, HTML नॉर्मल, यदि आपको HTML का काम करना है, HTML आप जानते हैं थोड़ी बहुत तो उससे भी कर सकते हैं, यदि आप HTML नहीं जानते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब भी आप कर सकते हैं, इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है, ये जो बैक कवर बनाने का होता है, बैक कवर भी आप इमेज का बना सकते हैं। तो इमेज, ठीक है, तो ये इमेज हो गया, ओके मैंने यहाँ पे इमेज कर दिया। अगर इसको आपको सर्कल में लेना है तो ऐसे सर्कल में हो जाएगा, ओके सर्कल में, और अगर आपको डिफॉल्ट रंगना है डिफॉल्ट हो जाएगा उसके, अगर आपको कवर देना है तो कवर में भी आ जाएगा ये, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ओके तो ये एक प्रॉपर हो जाता है, ओके यहाँ पे मैं कुछ भी अगर लिख देता हूँ, ओके ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये वहाँ पे पब्लिश होके वहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे कोई भी इमेज आप ले सकते हैं यहाँ पे, ओके तो मैं इमेज ही रख लेता हूँ उसको। एंड अनदर ऑप्शन भी है मीडिया टैक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट प्लस, ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ऑप्शन अवेलेबल है, कॉमन ब्लॉक्स, इमेज ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है, लिस्ट ऐड करनी है, कोटेशन, ऑडियो तक आप फाइल भी कोई अटैच कर सकते हो, फॉर्मेटिंग, HTML, HTML के कोड आपको अटैच करने हैं वो सभी आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और लेआउट एलिमेंट है, इसमें कॉलम्स है, बटन्स है, बटन्स आपको ऐड करने हैं, पेज ब्रेक है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, तो ये सभी फीचर्स है। अब इसमें एम्बेड का है, एम्बेड का मतलब है कि यदि आपको कोई वीडियो अटैच करनी है अपने सर्वर पे अपलोड, कभी भी आप ब्लॉगिंग करते हो या न्यू चैनल देखते हो, तो उसमें क्या होता है, अदर प्लेटफॉर्म से लिंक उठा के वहाँ पे लिंक किया जाता है, तो वो बेस्ट होता है जिससे कि सर्वर पर ज़्यादा लोड ना पड़े और वेबसाइट जल्दी से ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आप यूट्यूब से लिंक ले सकते हो, मतलब मीन्स यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। सपोज कीजिए मुझे यूट्यूब की लिंक यहाँ पे देनी है, मतलब कि यूट्यूब की वीडियो को यहाँ पे एम्बेड करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं कोई भी वीडियो मैंने ओपन कर ली, ओके टेक्नो स्मार्टर मैंने यहाँ पे दे दिया, ओके टेक्नो स्मार्टर, ओके सपोज कीजिए मुझे ये वीडियो यहाँ पे लेके आनी है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कॉपी वीडियो यूआर, ठीक है, और उसके बाद मुझे ये वीडियो इस पोस्ट में लिंक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, उसके बाद पे मैं पेस्ट कर दूँगा और एम्बेड पे क्लिक कर दूँगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पे एम्बेड हो जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं आप ये वीडियो यहाँ पे आ चुकी है, जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा वहाँ पे ये डिस्प्ले होके दिखाई देगी। नेक्स्ट
यहाँ पे आपको चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लिंक इनलाइन इमेज स्ट्राइक कोई भी इमेज आप इमेज ब्लॉग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जिसमें आपको बेस्ट होगा। सबसे पहले ये आपने देखा नहीं होगा, तो इसमें आपको वूकॉमर्स में मिल जाता है। यदि सपोज कीजिए आप ब्लॉगिंग के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो या फिर कुछ सिंपल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो न्यूज के साथ या ब्लॉग के साथ, तो आप कैसे करोगे? तो उसमें आप यहाँ पे वूकॉमर्स के मॉड्यूल यूज कर सकते हो। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे वूकॉमर्स के प्रोडक्ट दिखाने हैं, ऑल रिव्यूज फीचर्स कैटेगरी डिस्प्ले कर रहे हो अलग तरह। तो सपोज कीजिए मैं न्यू प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराता हूँ और न्यू प्रोडक्ट डिस्प्ले कराते ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आइकन चूज कर सकते हैं, कोई भी आइकन आप ले सकते हैं। यहाँ पे अदर फंक्शन मिल जाते हैं, मीडिया टाइटल आपको डिस्प्ले कराना, रिलेटेड पोस्ट आपको डिस्प्ले करानी है कि नहीं, ऑथर नेम, तो ये सभी यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड नाउ यहाँ पे आप कैटेगरी दे सकते हैं, कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी। ओके, तो ये आपको डेमो मिल जाती है, जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी न्यूज की थी, तो ये कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल पार्ट है। यहाँ पे आपको टैग दे सकते हैं जो भी जिससे भी रिलेटेड है, सपोज कीजिए फ्लिपकार्ट गया। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट वर्डप्रेस, तो इसी से रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे, डील्स, तो ये ऑफर्स, तो उससे रिलेटेड कितने भी टैग्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे फीचर इमेज रिप्लेस कर सकते हो, जो फीचर इमेज होती है यहाँ पे डिस्प्ले होती है, इसे हम फीचर इमेज कहते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर वे हो जाता है। उसके बाद इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अलो कमेंट, यदि आप डिसअलाउ कर देते हो तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स नहीं दिखेगा। ओके, एंड परमालिंक, यहाँ पे इस लिंक को आप एडिट कर सकते हो। तो परमालिंक में क्या होता है, आप हिंदी और इंग्लिश में एडिट कर सकते हो। जैसे कि आज तक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आज तक में आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में टाइटल लिया हुआ है और जो परमालिंक है वो इंग्लिश में लिया हुआ है। तो परमालिंक आप इंग्लिश में ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता, जैसे कि ये हिंदी में है, ठीक है, तो मुझे इसे एडिट करके इंग्लिश में लेके आनी है, जैसे कि यहाँ पे आज तक ने की हुई है। तो मुझे वो कैसे करनी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको अपडेट कर देते हैं। ओके, तो ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप सेलेक्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये तो आप लोगो है नॉर्मल से मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका पोस्ट हो गया। तो ये एक नॉर्मल इमेज है, वहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ये फीचर इमेज आ रही है। ओके, तो ये आपके YouTube की वीडियो आ जाती है यहाँ पे, या अदर वीडियो भी आप ले सकते हैं, उसका साइज मेंटेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं वो प्रोडक्ट वहाँ पे वो कॉमर्स में लेके चला जाता है और बाय कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पे कमेंट आ जाते हैं, तो एक नॉर्मल सी ब्लॉगिंग थीम है या न्यूज़ क्रिएट कर सकते हो आप इसमें। आज तक न्यूज़ सेम आप क्रिएट कर सकते हो, यदि आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो नॉर्मल क्रिएट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि सलग को कैसे चेंज करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में है और यहाँ पे ये इंग्लिश में हो चुका है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट में जाता हूँ, ऑल पोस्ट में जाने के बाद जो मेरा था ये था, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है। ओके, या आप क्विक एडिट से भी वहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हर एक वर्ड के बीच आपको माइनस का साइन देना है, तो 2000s, या आप ऐसे मैसेज लैंग्वेज में भी दे सकते हैं यदि आपको स्लग बनाना है, या इंग्लिश में भी आप स्लग बना सकते हैं। पहले ऐसे आप मैसेज लैंग्वेज में भी ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एसईओ पे डिपेंड करता है कि दो नए स्मार्टफोन, ये आप जितना चाहे यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं। तो ये आपको माइनस का साइन दे के रखना है और सेव कर देना है ऐसे, ठीक है, और अपडेट कर देना है। इसके बाद ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप रीलोड करोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है।
इसमें क्या होता है कि हेडर में आप मेन्यूज ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने आपको ऐड किया है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, पेजेस ऐड कर सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, ये एक रेस्पॉन्सिव थीम है जिसको आप नॉर्मल मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं मोबाइल में भी आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से आप आज तक इधर न्यूज ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये पेज बिल्डर मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप कोई भी मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हो, रो ऐड कर सकते हो, या कंटेंट के लिए अदर अदर मिल जाता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म से रो ब्लॉग, तो आप देख सकते हैं जो कि पहले से यहाँ पे ऐड किया हुआ है। कैटेगरीज ऐड करने के लिए, पोस्ट की कैटेगरीज ऐड करने के लिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिसेंट न्यूज़ जैसे अब रिसेंट न्यूज़ आती है उसको ऐड करना है, किस कैटेगरी में ऐड करना है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो जस्ट नॉर्मल होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप यहाँ पे आज तक लाइव न्यूज़ चैनल जैसी वेबसाइट सेम क्रिएट कर सकते हैं, या अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप डेमो देख सकते हैं एंड गेट कर सकते हैं। यदि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके यदि आपको इसके मोर फीचर्स और जानना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहीं पे आपको डेमो मिल जाएगा, वहीं से भी आप इस थीम को गेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।